सरकार ने रातों रात घटाए पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 13% और डीजल में 28% की कटौती। नई दिल्ली। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता त्रस्त हो चुकी तो वहीं सरकार पर लगातार विपक्ष के हमले तेज हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपको पता चले कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1-2 रुपए नहीं बल्कि 28% तक की कटौती कर दी है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दरअसल खुद बीजेपी ने इस बात को बताया है कि पेट्रोल की कीमतें अभी भी 13% और डीजल की कीमतें 28% कम हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप खुद भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल @BJPIndia को चेक कर सकते हैं। ये है पूरा मामला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल @BJPIndia पर पेट्रोल डीजल पर एक ग्राफ पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है कि 16 मई 2004 सेकंड लेकर 10 सितंबर तक के ग्राफ को दिखाया गया है। इस पोस्ट में बताया गया है कि 16 मई 2004 को पेट्रोल की कीमतें 21.74 रुपए प्रति लीटर थी, जो 16 मई 2009 को बढ़कर 30.86 रुपए प्रति लीटर गई। इसी तरह 16 मई 2014 को यह 56.71 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया और फिर 10 सितंबर 2018 को 72.83 रुपए प्रति लीटर जा पहुंचा। इन 14 साल की कीमतों को बीजेपी ने आंकड़ेबाजी के तौर पर दिखाया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि प्रतिशत आधार पर पेट्रोल में 13% और डीजल में 28% की कमी दिखाई गई है। सरकार की किरकिरी। अपने ट्विटर हैंडल @BJPIndia पर इस ग्राफ को पोस्ट कर सरकार खुद मजाक का पात्र बनकर रह गई है। पोस्ट को देखकर लोग जमकर सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया है कि अब इनके दिमाग की बत्ती बुझ गई है क्योंकि अब इनका काम केवल फेंकना रह गया है। तो कई कुछ लोगों ने सरकार के इस कदम के लिए उन्हें मोरन तक कह डाला है। आलम यह है कि इतनी किरकिरी होने के बावजूद ये